हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम मुसेंडा प्लांट के बारे में बात करेंगे। मुसेंडा एक एवरग्रीन पेरिनियल प्लांट है, लगातार साल दर साल आपके गार्डन में बना रहता है। इसमें ये खूबसूरत से फ्लावर्स आप जो देख रहे हैं, ये एक्चुअल फ्लावर्स नहीं हैं, ये कलरफुल ब्रैक्ट्स हैं और इन्हीं कलरफुल ब्रैक्ट्स के लिए इसे ग्रो किया जाता है। मेनली ये पीच कलर, वाइट और रेड, इन तीन कलर्स में ही आता है। ये ब्रैक्स आपके फरवरी से आने शुरू हो जाते हैं और नवंबर तक इसमें ये ब्रैक्स आते रहते हैं। बस ठंड को छोड़कर बाकी ये पूरे साल इसमें ये इस तरह की फ्लावरिंग, या आप कह सकते हैं, होती रहती है। जब भी आप नर्सरी से कोई भी प्लांट लाएं तो उसे रिपोर्ट करने की जल्दी ना करें और उसे कुछ दिन अपने गार्डन में रखें ताकि वो थोड़ा एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सके। ये मुझे देखिए छोटे से पॉट में लगा हुआ था तो मैंने उसे छोड़ दिया और थोड़ा इसमें मैंने खाद डाल दी और इसमें अच्छे से काफ़ी ब्रैक्स आ रहे हैं। मैंने उसे रिपोर्टिंग जल्दी नहीं करी और मैं इसे रिपोर्ट बड़े पॉट में करूंगी क्योंकि ये एक बुशी प्लांट है, थोड़ा ये बड़ा हो जाता है। अगर आप इसे ग्राउंड में लगाते हैं तो ये काफ़ी बड़ा बुश फॉर्म कर लेता है। पॉट्स में आप इसे डिज़ायर शेप में प्रून करते रहें तो ये एक शेप में बना रहता है। फरवरी में इसकी प्रूनिंग कर दें आप और इसमें अच्छे से साल में दो बार फर्टिलाइजेशन कीजिए, फरवरी में एक और फिर एक नवंबर में या सितंबर में आप कर सकते हैं। इसको प्रून करने के साथ साथ इसमें फर्टिलाइजेशन आप अच्छे से कर दें और फिर हर महीने इसमें आप थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहें। ये वेल ड्रेन्ड और एसिडिक सॉइल को पसंद करता है। एसिडिक सॉइल बनाए रखने के लिए आप उसमें वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट की मात्रा, काउडंग कंपोस्ट की मात्रा थोड़ा ज़्यादा कर दें और प्लांट्स के मुकाबले में, तो इसकी सॉइल एसिडिक बनी रहती है। ये मेरा दूसरा प्लांट है, ये वाइट कलर का है, इसे मैंने अभी जल्दी ही रिपोर्ट किया। एक बड़े से 12 इंच के पॉट में मैंने इसे रिपोर्ट किया है और देखिए इसमें काफ़ी शूट्स निकल आई हैं। अगर आप अच्छे से फर्टिलाइज़ करते हैं तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला प्लांट है फ्रेंड्स, और इसमें खूब सारे ब्रैक्स आते हैं। पूरे गर्मी भर रेनी सीज़न में ये आपको कलरफुल ब्रैक्स देता रहता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा 15-20 दिन के बाद इसमें सारे छोटे छोटे जो थे ब्रैक्स वो बड़े हो गए हैं और इनके सेंटर्स में येलो कलर के छोटे एक्चुअल फ्लावर्स आते हैं और ये सब कलरफुल ब्रैक्स इसी तरह से ग्रो होते रहते हैं। अर्ली स्प्रिंग से लेकर के सम विंटर्स आने तक ये लगातार कलर्स ऐड करता है आपके गार्डन में, और जब तक विंटर्स के फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं आ जाते तो तब तक ये प्लांट फ्लावर्स प्रोड्यूस करता रहता है। बस ठंड में इसमें फ्लावरिंग कम हो जाती है। अगर आप इसे टच करके देखेंगे तो उसमें स्मॉल, बिल्कुल पतले पतले से रोएं से निकले हुए होते हैं इसके लीव्स पे भी, और इसके जितने ब्रैक्स हैं इस पे भी एक पतले पतले से रोएं से होते हैं। थोड़ा रफ़ सा इसका सरफेस होता है, स्मूथ नहीं होता। ये इसकी एक स्पेशल क्वालिटी है, इस प्लांट की रफनेस थोड़ी सी होती है। सन की बात करें, सन रिक्वायरमेंट, तो ये फुल सन का प्लांट है लेकिन इसे बहुत ज़्यादा दोपहर की हार्श लाइट नहीं पसंद है। आप इसे ऐसी जगह लोकेट करें जहाँ पे सुबह शाम की इसे धूप मिले लेकिन दोपहर की तेज़ धूप ना मिले, वरना इसकी लीव्स थोड़ी बन हो जाती हैं। और वाटरिंग, इससे मॉइस्ट सॉइल पसंद है तो वाटरिंग का ध्यान रखना है, लेकिन सॉगी कोई भी प्लांट पसंद नहीं करता। इसके लिए आप इसके ड्रेनेज होल को देखते रहें और साथ ही साथ बेल्ड्रेन सॉइल बनाए रखने के लिए, और चूँकि एसिडिटी बनाए एसिडिक कंडीशंस बनाए रखने के लिए सॉइल को हम कंपोस्ट हर महीने एक हैंडफुल रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए छोटा सा इसका फ्लावर है जो अभी देखिए इसके सारे ब्रैक्स गिर भी रहे हैं, काफ़ी दिन से लगे हुए थे। तो ये ऐसे ही प्रोड्यूस करता रहता है और इसमें फ्लावर्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से येलो कलर के बहुत क्यूट से फ्लावर्स आते हैं और ब्रैक्स तो चमकीले ब्राइट कलर्स के इस तरह से होते ही। प्रोपेगेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका प्रोपेगेशन सेमी वुड कटिंग से बहुत ईजिली लग जाता है। आप ऐसी कटिंग लें जो थोड़ा सा मोटी हो, जैसे अलामांडा में टिप की नॉन वुड स्टेम कटिंग 4-5 इंच की लेने पे हो जाता है, लेकिन इसमें आप थोड़ी मोटी कटिंग लें जो सेमी वुड हो
उसे आप सैंडी सॉइल में लगा दें तो इजली ये प्रोपेगेशन हो जाता है इसका, और सीड से इसका बहुत ही कम प्रोपेगेशन होता है, मेनली इसका स्टेम कटिंग से ही इसकी प्रोपेगेशन होती है। आप इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं, अगर आपका प्लांट बहुत बड़ा हो गया है और उसमें मोटी डाल हैं, ब्रांचेस हैं, तो उनकी कटिंग्स बीच की लेकर के आप लगा सकते हैं। इसकी स्टेम कटिंग अगर आपने टिप की ली तो टिप के 4-5 इंच लेकर लगाएंगे तो वो चलती नहीं है, इसमें थोड़ी मोटी कटिंग्स ही ग्रो हो पाती हैं। पेस्ट कंट्रोल या इस पे किसी तरह के अटैक से बचने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे हर 20 दिन में, 15-20 दिन में बाकी प्लांट्स की तरह ही करेंगे। किसी भी तरह के ज़्यादा इन्फेक्शन हो जा रहा है किसी भी चीज़ का तो आप केमिकल फर्टिलाइज़र सॉरी केमिकल स्प्रे भी कर सकते हैं। आप इसमें 15 से 20 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर दे रहे हैं तो बहुत अच्छा ये फ्लरिश करता है प्लांट, और लगातार इसमें ब्रैक्स बनते ही जाते हैं। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना नहीं जानते हैं तो आप जो भी कंपोस्ट लेते हैं वो एक मुट्ठी कंपोस्ट ले लीजिए और उसे 10 लीटर पानी में डिजॉल्व करके रख दीजिए 2-3 दिन, और उसके बाद उसके पानी को आप अपने प्लांट्स में दीजिए तो वो लिक्विड फर्टिलाइज़र का काम करता है और वो प्लांट्स जल्दी उसकी रूट जल्दी लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेती हैं और प्लांट पे उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है उससे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मुसंडा के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मैंने दे दी है। किसी भी तरह के क्वेश्चंस अगर आपके मन में हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।